अररिया शहर में जल जमाव की समस्या। अररिया शहर में विगत कुछ महीनों से आंधी व बारिश देखने को मिल रही है। इन दिनों शहर में नाली सड़क का विकास भी हुआ, लेकिन कुछ मोहल्लों में यह निर्माण अभी नहीं हुआ है कुछ, लेकिन बरसात के कारण जल जमाव की स्थिति देखने को हर जगह मिल रही है। कई जगह तो घरों में पानी घुस जाता है बरसात का, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अररिया शहर के समाहरणालय परिसर, शास्त्री नगर, कोशी कॉलोनी, महावीर नगर, आजाद नगर, मौलवी टोला, शिवपुरी, ओम नगर इत्यादि मोहल्ले में जल जमाव की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। बताइए कि जो बरसात के अभी बरसात का सीजन चालू नहीं हुआ, फिर भी नगर में कई जगह बारिश की दिक्कत हो रही है, आप लोगों को इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अररिया के जिला बने दशकों बीत गया, लेकिन अररिया में जल जमाव की स्थिति गांव से भी बदतर है। सड़कें तो बनी, लेकिन सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर है कि नाला नहीं रहने के कारण जल निकासी का पूरी तरह से समस्या है। आधे घंटे की बारिश में लबालब सारी गलियां भर जाती है। मेरा ये कहना है प्रशासन से और सरकार से और खासकर नगर परिषद से कि सर, जनता जो रेवेन्यू देती है तो आखिर वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों पानी में डुबा करके भेजे? वो बच्चे जो है स्कूल जाने में परेशानी होती है, लोगों को ऑफिस जाने में परेशानी, घर से लोगों का निकलना दुश्वार है। तो नाला का जब तक पूरे अररिया शहर का एक प्लान नहीं बनेगा, उसकी निकासी की जल निकासी की समस्या नहीं होगी, तब तक सिर्फ नाला बनाकर उसके पैसे की निकासी के सिवा और कुछ नहीं होगा और जनता को इससे राहत नहीं मिल सकती है। नाम आपका? मेरा नाम रामनयन विश्वास, सामाजिक कार्यकर्ता, अररिया।